अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में 7 बातों का चिंतन कर ले। एक तो सुबह सूरज उगने के पहले उठे और उठते ही कुछ ना करे, शांत बैठ जाए। जो सुख को दुख को जीवन को मृत्यु को जानने वाला आत्मदेव है, मैं उसमें शांत हो रहा हूं। दिन भर करने से जो मिलेगा वो प्रकृति का मिलेगा, नश्वर मिलेगा, छूट जाने वाला और दुख देने वाला मिलेगा, थोड़ा सुख देने वाला मिलेगा। लेकिन ये दुख और सुख को बोना करके परमात्मा से मिलाने वाला पद देने वाला, ये कुछ न करने से परमात्मा पद मिलेगा। एक आध मिनट दो मिनट बैठ गए ऐसे, बड़ा भारी लाभ होता है। दिन भर की आरती से लाभ होता होगा, अच्छा है वो, लेकिन ये लाभ कई गुना ज्यादा है। फिर शुभ संकल्प करो कि सुख कई आए और गए, दुख आए और गए, उसको जानने वाला मेरा परमात्मा, तो मैं तेरे में रहूंगा। आप सुख दुख में तिनखे की नाई झूले खा खा कर खपूंगा नहीं, इतना शुभ संकल्प कर लो। तुम कर सकते हो, वही पाठ पढ़ाया जा रहा है। ऐसे नहीं कि मक्का जाओ अथवा काशी जाओ, ये सबके बस की बात नहीं है, लेकिन सुबह नींद में से उठ के एक मिनट काशी और मक्का 1000 बार जाने के बाद भी मिले ना मिले, उस परमात्मा से तुम सुबह मिल सकते हो, नहीं मिल सकते हो? एक आध मिनट शांत हो जाओ, परमात्मा नाम रखो, अल्लाह नाम रख दो, चल जाएगा। शांत होके बैठ जाओ। जो मुसलमान कोई साधक है तो अल्लाह मान ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ईसाई कोई बैठा है तो गॉड मान ले, लेकिन उसमें मिलो शांत, वो संकल्प करो। दूसरी बात, मेरा हृदय पवित्र हो। शुभ कर्म करने से आदमी भला, कर्म करने से आदमी भला नहीं हो जाता, बुराई छोड़ने से आदमी भला होता है, और फिर उससे भले ही कर्म हो जाते। हे प्रभु, मेरा हृदय पवित्र कर। न साबुन से हृदय पवित्र होगा, न पानी से हृदय पवित्र होगा, प्रभु के नाम से ही हृदय पवित्र होगा। तीसरी बात, ओमकार मंत्रों का सेतु, सिद्धियों का सेतु, जीव और ईश्वर के बीच का एक सुंदर सेतु, चंचलता को नष्ट करने वाला और बल को देने वाला। ओम ओम हरि ओम, ओम ओम बलम, ओम 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 शक्ति ओम। थोड़ी देर ये जप कर लो, कल से ही शुरू कर दो। देखो, कल करोगे कल ही आपको दिन भर में उसकी सुंदरता का, उसकी महानता का थोड़ा सा अनुभव होगा, परसों थोड़ा ज़्यादा, 10-20 दिन के बाद तो आपके शरीर के कण और मन में काफी परिवर्तन हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। फिर चौथी बात, कर्म के बीच बीच में एक दो मिनट ध्यान और एकाग्र, जैसे आपके कर्म में भी 4 चांद लगेंगे और आपके चित्त में भी कर्म करने का आनंद आएगा। पांचवी बात, आपको प्राणायाम हमने कई बार बताए, वो प्राणायाम करो, शरीर में छुपे हुए रोग के कण नष्ट हो जाएंगे। गुजरात में 7 लाख विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते, उसमें 2 लाख से भी ज़्यादा विद्यार्थी बीमार, और 1 लाख और 7 हज़ार विद्यार्थियों को तो
पीलिया है बेचारों को, उनकी पीलिया दूर करने का मेरे ध्यान में आज ही आई ये बात। पीलिया है विद्यार्थियों को, स्कूल नहीं जा पाते कितने 90,000 विद्यार्थी, तो आंकड़े बताते हैं। जो नीम के पेड़ हैं उन पर गड़ो लगा दिया जाए और उनके पत्ते 2-5 उसकी चटनी या सब्जी बना के खिला दिया जाए, लीवर मजबूत हो जाएगी, लीवर की कैपेसिटी कम हो जाती है जहर सूचने की, चूसने की, तब पीलिया होता है। और ठास ठास के ना खाए और ये प्राणायाम करे तभी भी लीवर मजबूत होगा। और दूसरे भी कई योग के प्रयोग हैं और आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं। विद्यार्थी बेचारे गुजरात में जब 1,00,000 विद्यार्थी पीलिया से पीड़ित है तो और जगह कितने होंगे, आज क्या आंकड़े मेरे कान आए अखबार में किसी, आज मैंने देखा कभी की अखबार थी किसी ने बताया। तो आपको भी और कृमि की तकलीफ से भी हजारों विद्यार्थी पीड़ित हैं, 100 में से 70% कृमि, पेट में कृमि की तकलीफ होती है विद्यार्थियों। और गुजरात में 50-60,000 से भी ज़्यादा कृमि की तकलीफ वाले विद्यार्थी। तो तुलसी के 5 पत्ते रोज चबा के खा लेने से कृमि की तकलीफ शांत हो जाएगी, आसान तरीका है। तुलसी 800 बीमारियों में काम में आती है। पीपल की हवा 2400 घंटा ऑक्सीजन देती है और पीपल का पेड़ जहाँ लगता है वहाँ से हवा आती है, ऋण आयन बनाती है। और गर्मी के मौसम में तो आशीर्वाद रूप है। वैसे भी हार्ट के बीमारियों को और बोंदू विद्यार्थियों को भी पीपल की हवा बहुत सुखदायी, पीपल का स्पर्श। खैर ये 7 बातें, फिर अपन इधर आते हैं। एकाग्र होना चौथी बात, 5वीं बात प्राणायाम करना, 6वीं बात मौन रखने का अभ्यास करो। वाणी बोलने से शक्ति का ह्रास होता है, संभोग करने से जो सार तत्व शरीर का नाश होता है वही वाणी बोलने से सार तत्व शरीर का खर्च होता है। जैसे तेल धुल गया तो घाटा हुआ और दिए में तेल जला तभी भी खर्च तो होता है, ऐसे ही संभोग से मानो तेल धुल गया और वाणी बोलने से माना दीपक जलने में तेल खर्च हो रहा है। शरीर का मज्जा, ओज और जीवनी शक्ति, ये 3 खर्च होती है वाणी बोलने से। इसलिए वाणी सारगर्भित बोले, 10 शब्दों की जगह 7 में निपटारा करे और 2-3 घंटे रोज मौन का अभ्यास करे। गांधी जी हफ्ते में 1 दिन सोमवार का मौन रखते थे और उस दिन ज्यादा अच्छे निर्णय अच्छे चिंतन के धनी बनते थे। 6वीं बात है अपने दोष दूर करने का दृढ़ संकल्प करें और उसमें शुभ संकल्प करें तो उसको लगे रहने का व्रत ले लें। आपके जीवन में सचमुच में थोड़े ही दिनों में बरकत आ जाएगी। ऐसे हमारा मन रूपी बच्चा जो भगवान के नाम का आश्रय लेता है तो कल युग के दलदल में गिरने से उसका बड़ा भारी बचाव हो जाता है। इसलिए बीच बीच में आप भगवान का नाम लिया करें काम करते समय। मैं आग्रह नहीं करता हूं कि आप हरिओम ही बोलिए, आप राम राम ही बोलिए, जिस भगवान के प्रति प्रीति हो आप उसका नाम लीजिए, केशव नारायण। जैसे राम बोलोगे तो राम के रकार से सूर्य तत्व आपके सूक्ष्म शरीर में डेवलप होगा, मकार से चंद्र तत्व। जब ओम बोलोगे तो मूलाधार स्वाधिष्ठान केंद्र में आध्यात्मिक वाइब्रेशन होंगे। 6 बार के बाद आप अगर ओम का उच्चारण करते हो तो एक प्रकार के आध्यात्मिक ओरा के तरंग निकलते हैं, बिल्कुल पक्की बात है। ऐसे ही शिव शब्द का अपना महिमा है, गोविंद राघव गोपाल हरि जो भी आपको प्यारा लगता है। तो भगवान नाम आप बीच बीच में लेते रहें जिससे आपका शरीर मन और कलयुग के दोषों से बचने का सामर्थ्य बढ़े।